सोलो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो में आप लोग को सिखाने वाला हूँ कुछ इस टाइप की बैकग्राउंड चेंज फोटो एडिटिंग आप लोग कैसे कर सकते हैं और अपने जो भी बैकग्राउंड को चेंज करते हैं उस जो भी आप लोग को लो क्वालिटी हो जाती है फोटो तो उसको आप लोग पूरा फुल एचडी में कैसे सेव कर सकते हैं गाइस, वो भी आप लोग को न्यू एप्लीकेशन का यूज करके आप लोग बताएँ। जो आप लोग को एप्लीकेशन ज़्यादा एमबी का नहीं है, जो 1 MB का है वो प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए फ्रेंड, जिसका नाम है पिक्स ऐप। तो चले चलते हैं गाइस, यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं चल पे ना है तो मैं चल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे पिक्स ऐप एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन करना है। ओपन करने वैसे आप लोग यहाँ पे गेट एक पिक्चर पे क्लिक करना है गाइस, और यहाँ पे अपनी गैलरी पे जाना है। गैलरी पे जाने वैसे फ्रेंड्स आप लोग को इस बैकग्राउंड को एड कर लेना है। एड करने वास्ते आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एडजस्ट पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, और यहाँ पे नीचे आएंगे। नीचे आने वास्ते देखिए यहाँ पे रिसाइज पे क्लिक करेंगे और अपने बैकग्राउंड को यहाँ पे रिसाइज कर लेंगे सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, रिसाइज करने जो होती है क्वालिटी इसकी बढ़ जाती है बैकग्राउंड को जो कम रहती है। यहाँ पे 3540 कर लेंगे फ्रेंड्स, या 3546, और लास्ट में जो रिसाइज करेंगे इसको देख लेंगे, इसको 2800 कुछ कर लेंगे गाइस, और यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे चेक कर लेंगे रिसाइज हुआ है कि नहीं गाइस, तो देख सकते हैं यहाँ पे रिसाइज हो चुकी है बैकग्राउंड। तो यहाँ पे होने वाले आप लोग क्या करेंगे, इफेक्ट पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, और यहाँ पे इंसर्ट पिक्चर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से अपने मॉडल पे इंजुकेट कर लेंगे, जो फ्रेंड्स मैं पहले से इरेज करके रखा हूँ। अगर आप लोग को इरेज करना नहीं आता है तो उसका भी आप लोग लिंक मिल जाएगा वीडियो का, जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। तो यहाँ पे इसको ऐड कर लेंगे, ऐड करने वाले इसको पूरा हाई से सेट करेंगे अपने हिसाब से। उसका से यहाँ से डन कर देंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेट हो चुका है, और वो भी पूरा फुल एचडी में हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अपनी फोटो को मैं जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो अब क्या करें फ्रेंड्स, अपनी फोटो को स्मूथ करेंगे, तो यहाँ से डन कर देंगे, और क्या करेंगे फ्रेंड्स, इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स सबसे नीचे आएंगे। सबसे पहले यहाँ पे इंसर्ट पिक्चर पे फिर से जाएंगे फ्रेंड्स, और यहाँ पे उसी बैकग्राउंड को ऐड करेंगे, और यहाँ पे इसको क्रॉप कर लेंगे गाइस, नीचे के ब्लू टोन ला लेंगे, और यहाँ से डन करेंगे, और इसको ऐसे बड़ा कर लेंगे, और यहाँ पे नीचे सेट करेंगे, और इसको ऑपेसिटी को हल्का सा माइनस में रखेंगे, और यहाँ से डन करेंगे। तो डन करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इरेज कर लेंगे ऊपर के भाग को, और यहाँ से फाइनल डन कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे भी फेड हो चुका है, लग चुका है। तो आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, फिर से इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे सॉरी इफेक्ट पे नहीं क्लिक करेंगे, एडजस्ट पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, और सबसे पहले यहाँ पे फेस को स्मूथ करेंगे, तो स्मूथ पे क्लिक करेंगे, और अपने फोटो को जूम कर लेंगे। जूम करने वाले क्या करेंगे फ्रेंड्स, ऐसे ड्रॉ करेंगे आप लोग, हल्का से इसको माइनस में रखेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, जितना ही मतलब इसको एडजस्ट करेंगे, जितना ही बढ़ाएंगे उतना ही फेस स्मूथ होगा। तो देख सकते हैं, तो अपने हिसाब से आप लोग स्मूथ कर लीजिएगा जितना आप लोग करना चाहते हैं, और यहाँ से डन कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, फिर से एडजस्ट पे जाएंगे, और यहाँ पे नीचे आएंगे फ्रेंड्स, देखिए टेम्परेचर पे क्लिक करेंगे, अपने हल्का से यहाँ पे टेम्परेचर को एडजस्ट करेंगे, इसको माइनस में रखेंगे, और यहाँ से डन कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अब आप लोग कुछ नहीं करना है, अपने फोटो को सेव कर लेना है, एक स्पॉट पे क्लिक करके अपने फोटो को सेव टू डिवाइव कर लेना है, और अपने फोटो को ले चलना है लाइट रूम के अंदर, यानी यहाँ ही से ऐड भी कर सकते हैं लाइट रूम के अंदर। तो थोड़ा सा वेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैंने अपने फोटो को लेकर आ चुका हूँ लाइट रूम के अंदर। तो यहाँ पे लाने वास्ते आप लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले लाइट पे क्लिक करना होगा, और नीचे से लाइट करना होगा फ्रेंड्स, और यहाँ पे ब्लैक को हल्का से माइनस में रखना होगा, और व्हाइट को भी फ्रेंड्स, और शैडो को इंक्रीज कर लेना है, और हाईलाइट कॉल का सा माइनस, कंटेस्ट को भी माइनस। और फ्रेंड्स क्या करना है, यहाँ पे नीचे आना है कलर पे, मिक्स पे जाना है, सेकंड कलर पे आना है, अपने फेस को हल्का सा गोरा करना है, और ल्यूमिनस को इंक्रीज कर लेना है, सिचुएशन को माइनस में रखना है,
और फर्स्ट वाले पेन है इसका सैचुरेशन को इंक्रीज कर लेना है, हुआई कॉल का माइनस ल्यूमिनस को इंक्रीज। और फ्रेंड्स यहाँ पे है ना येलो कलर पे इसका हल्का सा सैचुरेशन को माइनस में रखना है। ग्रीन पेन है, ग्रीन का सैचुरेशन को इंक्रीज कर लेना है और येलो का हुआ ही हल्का सा इंक्रीज कर लेना है गाइस। और यहाँ पे अपने कपड़े कलर अपने हिसाब से रख सकते हैं, तो ब्लू ही रखेंगे तो और अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। और यहाँ से डन कर देंगे, इस पे आएंगे, इस पे आने क्लियरिटी कॉल का इंक्रीज करेंगे फ्रेंड्स और विनेट कॉल का माइनस और टेक्सचर को भी हल्का सा इंक्रीज। और नीचे आना है फ्रेंड्स आप लोग, इस पे हल्का सा सरप्राइज को इंक्रीज कर लेना है, नॉइस को भी, कंटेस्ट को भी, कलर नॉइस रिडक्शन को हल्का से ज़्यादा इंक्रीज करके रखना है। और लास्ट में इस दोनों ऑप्शन को 100 कर देना है फ्रेंड्स और इस दोनों ऑप्शन को ऑन कर देना है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे देखिए हल्का सा और फेस को गोरा करेंगे, तो यहाँ पे सब कुछ करने वास्ते आप लोग फेस को हल्का सा और गोरा कर सकते हैं यहाँ पे। और इस पे आने के बाद हल्का सा ब्लैक टोन को हल्का सा माइनस में रखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बिफोर आफ्टर देख सकते हैं, बिफोर आफ्टर, और अपने फोटो का से जूम करके देख सकते हैं फेस स्मूथ हुआ है कि नहीं। तो हल्का से यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स फेस भी स्मूथ हो चुका है, हल्का से इसको और इंक्रीज करेंगे तो फेस स्मूथ हो जाएगा और ज़्यादा। तो अपने हिसाब से आप लोग रख सकते हैं गाइस कितना स्मूथ करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनल फोटो एडिट हो चुकी है आप लोग को, तो आप क्या करेंगे अपनी फोटो को सेव कर लेंगे, तो शेयर पे क्लिक करके अपनी फोटो को सेव टू डिवाइव कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए।